लॉकडाउन और कोरोना काल में अक्षय अकेले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बाहर निकलकर काम करना शुरू किया। आज फिल्म्स ये सब अक्षय के खाते में जमा हुई। हालांकि पिछले साल के मुताबिक इस साल अक्षय के खाते में उस हिसाब से कमाई के आंकड़े में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई। बता दें कि इस साल अक्षय को तकरीबन 80 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कैसे लिस्ट में जगह बनाई है जिसमें आने के लिए बड़े बड़े स्टार्स तरसते हैं। ये लिस्ट है फोर्ब्स 2020 की। दरअसल अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने हाल ही में 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दुनिया के 100 सेलेब्स की लिस्ट जारी की, और हैरानी के साथ ये बात खुशी की भी है कि अक्षय कुमार इस लिस्ट के इकलौते भारतीय हैं और एक्टर 92 पायदान पर हैं। कोरोना काल में अक्षय की कमाई पर भी असर पड़ा। पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी इनकम 88 करोड़ रुपए घट गई। इसके बावजूद वो जैकी चान और जेनिफर लोपेज जैसे एक्टर्स से काफी आगे हैं। 2019 में उनकी कमाई 444 करोड़ रुपए थी, जो इस साल 48.5 मिलियन डॉलर करीब 356 करोड़ रुपए रह गई। पिछले साल अक्षय इस लिस्ट में 91 और 2018 में 270 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 96 नंबर पर थे। मैगजीन के मुताबिक अक्षय की कमाई का मेन सोर्स मूवीज रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बैंकेबल स्टार हैं और बच्चन पाडे और बैल बॉटम जैसी अपकमिंग मूवीज से लगभग 13 मिलियन डॉलर यानी 95 करोड़ रुपए की कमाई से वो मालामाल होने वाले हैं। लिस्ट के मुताबिक अमरीकी मीडिया पर्सनालिटी मॉडल और बिजनेस वुमेन काइली जेनर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने साल भर में करीब 590 मिलियन डॉलर यानी 4,340 करोड़ रुपए की कमाई की है। यकीनन जिस अमाउंट में बड़े स्टार की मूवी बन जाती है उतना घाटा कमाने वाले अक्षय ने इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाओ एक्टर इंडियन के तौर पर अपना नाम दर्ज कराकर जो प्राउड फीलिंग अपने फैंस और इंडस्ट्री को दी है वो वाकई कमाल है। डॉक्यूमेंट 2020 में हुई अक्षय की इस अचीवमेंट के बारे में आपकी क्या है राय, जरूर शेयर कीजिएगा अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।